नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मेलबोर्न टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी इसकी पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब अगले टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली करेंगे। धोनी ने कहा है कि वे वनडे और टी20 क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। धोनी ने 90 टेस्ट में 4876 रन बनाए हैं। इसके साथ ही 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज भी गंवा दी है। श्रृंखला का चौथा और अंतिम टेस्ट 6 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। अमित शाह फर्जी एनकाउंटर मामले में बरी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को वर्ष 2005 में हुए सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज शाह की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उन पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। एयर एशिया के विमान का मलबा मिला। जावा के समुद्र में एयर एशिया के लापता विमान के कई टुकड़े देखे गए हैं। इंडोनेशिया के अधिकारी ने भी लापता विमान QJ8501 का मलबा मिलने की पुष्टि की है। अधिकारी ने कहा कि जावा के समुद्र में विमान का मलबा दिखाई दिया है। इस विमान में चालक दल समेत कुल 162 लोग सवार थे। आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी फिर हिरासत में। मुंबई बम धमाके के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को अपहरण के मामले में एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया है। गौरतलब है कि इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई हमले के मामले में लखवी के खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए जमानत दे दी थी। अपहरण का यह मामला 6 साल पुराना है। भारत ने लखवी की रिहाई पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और समाचारों एवं रोचक जानकारियों के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।